आदाब, नमस्कार। दास्ताने अलिफ लैला लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। आज आपको सुना रहा हूँ किस्सा नादान गधे और बैल का। शहजादे ने कहा, हुजूर मुझे गधे की हिकायत सुनाइए कि वो क्या है। और वजीर ने यूँ बयान करना शुरू किया, एक सौदागर बड़ा मालदार था, हर जानवर की बोली से अच्छी तरह वाकिफ था। एक दिन उसे मवेशी खाने में गधे और बैल को आपस में बातें करते सुना। बैल ने गधे से कहा, तुम खुशकिस्मत हो और मैं सारा दिन हल चलाता हूँ और तुम मज़े में रहते हो। गधे ने कहा, मेरा कहना मानो तो तुम भी आराम पाओगे, कल काम के वक्त बीमार बन जाना तो मालिक तुमसे काम ना लेगा। बैल ने खुश होकर तजवीज़ पर पूरा अमल करने का यकीन दिलाया। सौदागर ने उन दोनों की बातें सुन ली और चुप रहा। दूसरे दिन मुलाजिम ने बैल के बीमार होने की इत्तला दी। सौदागर मुस्कुराया और कहा कि आज गधे को ले जाओ। नौकर गधे को ले गया और शाम तक काम लिया। रात को जब गधा आया तो बैल ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी तजवीज़ खूब रही और मुझे आराम करने का मौका मिल गया। गधा दिन भर की मशक्क़त से चूर चूर था, उस वक्त तो चुप रहा लेकिन जी में सोचता रहा कि अच्छी नसीहत की कि खुद बला में फंस गया। वजीर ने यह किस्सा बयान करके शहजादी से कहा, बेटी तू भी उस नासे गधे की तरह अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना चाहती है। लड़की ने कहा, मैंने जो इरादा कर लिया है उसे ज़रूर पूरा करूँगी। वजीर ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुमसे वही सलूक करना पड़े जो उस सौदागर को अपनी बीवी के साथ करना पड़ा था। शहजाद ने कहा, आप मुझे सौदागर की हिकायत सुनाइए और ये बताइए कि उस गधे का क्या हाल हुआ। वजीर ने कहा, अगले रोज सुबह सवेरे सौदागर फिर मवेशी खाने पहुंचा ताकि गधे और बैल का मामला देखे। आज इत्तेफाकन उसकी बीवी भी साथ थी। उस वक्त गधा बैल से पूछ रहा था, आज क्या करोगे? बैल ने कहा, आज भी मैं बीमार रहूँगा। तो गधे ने कहा, नहीं, ऐसा गजब ना करना। मालिक कह रहा था कि अगर बैल तंदुरुस्त ना हुआ तो उसको ज़बा कर दिया जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि आज फिर अच्छी तरह अपने काम पर चले जाओ, वरना जान का खतरा है। सौदागर यह सुनकर हंस पड़ा और उसकी बीवी ने मुताज्जिब होकर पूछा, आप क्यों हंसे? सौदागर ने जवाब दिया कि बैल और गधे की बातों पर हंसी आ गई। तो बीवी ने दरियाफ्त किया, उनमें क्या गुफ्तगू हुई? सौदागर कहने लगा, ये एक राज है, अगर मैं जाहिर कर दूँ तो इसमें मेरी जान को खतरा है। बीवी ने इसरार किया और कहने लगी, तुम बहाने करते हो, अगर सही बात ना बताओगे तो मैं अपने आप को कत्ल कर लूँगी। सौदागर ने हरचंद उसको समझाना चाहा लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही और साथ ही रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर देखकर परेशान हुआ कि अगर उसको बताता है तो मेरी ज़िंदगी पर हरफ आता है, नहीं बताता तो बीवी जान खोती है। इस फिक्र में खड़ा था कि कुत्ते ने मुड़ से कहा, तो आज भी अपनी मुर्गियों के साथ मस्ती कर रहा है। मुर्ग बोला, क्यों, आज क्या बात है? कुत्ते ने कहा कि आज हमारी मलिका मालिक से ऐसा राज दरियाफ्त करने पर इसरार कर रही है कि अगर बता दिया जाए तो मालिक की खैर नहीं, अगर मालिक नहीं बताता तो मलिका जान देने को तैयार है। मूर्ख बोला कि मालिक बेवकूफ़ है,
जो एक बीवी को काबू में नहीं रह सकता। मुझे देखो, 50 मुर्गियों का सवाल रखा है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जरा भी काम करे तो मार मार कर सीधा कर दूं। मालिक जिस कदर सुस्ती करेंगे औरत उतना ही सर चढ़ेगी। ये सुनकर मालिक ने अपना डंडा उठाया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। औरत डर गई और सौदागर के कदमों में गिरकर माफी मांगी कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। ये हिकायत बयान करके वजीर ने कहा, बेटी अगर तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी तो मुझे तेरे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा। शहजाद ने कहा कि मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लीजिए, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हजारों बहनों की जान बचा लूंगी। अगर इस कार्य सवाब में मेरी जान भी चली गई तो कोई हर्ज नहीं। मजबूरन वजीर बादशाह के पास गया और कहने लगा, हुजूर आइंदा शब मेरी लड़की हुजूर की दुल्हन बनेगी। बादशाह ने ताज्जुब से कहा कि तुम्हें मेरा दस्तूर मालूम है क्या? तुम ये उम्मीद करते हो कि इस मामले में मैं तुम्हारी बेटी से रियायत करूंगा? ये समझ लो मेरा अहद ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए तोड़ दूं। वजीर ने कहा, हुजूर को इख्तियार है। वजीर घर वापस आया और बेटी को कुल माजरा सुनाया। वो बोली कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। उसने अपनी छोटी बहन दुनियाजात को बुलाया और समझाया कि आज मैं इस इरादे से जा रही हूँ कि किसी बहाने सॉरी मैं इस इरादे से जा रही हूँ किसी बहाने से तुम्हें भी बुला लूँगी। जब थोड़ी रात बाकी रहे तो तुम कहानी सुनाने पर इसरार करना, उस वक्त मैं कोई कहानी शुरू कर दूँगी। उम्मीद है कि इस तरह मेरी और मेरे साथ दूसरी बहुत सी लड़कियों की जान बच जाएगी। हस्बे वादा बादशाह ने शहजाद से निकाह कर लिया। रात को जब बादशाह ने शहजाद को देखा तो उसकी खूबसूरती पर बहुत प्यार आया, लेकिन शहजाद ने बादशाह को मौका नहीं दिया कि वो अपनी तृष्णा आरजू की प्यास बुझाए, बल्कि बेख्तियार होकर रोने लगी। बादशाह ने हाल दरियाफ्त किया तो रोकर कहने लगी कि ये तो मैं जानती हूँ कि मुझे आप सुबह कत्ल करा देंगे, इसलिए चाहती हूँ कि अपनी छोटी बहन को अपने पास बुला लूँ और जी भर के देख लूँ। बादशाह चूंकि उसको दिल से चाहने लगा था, ये सुनकर खामोश हो गया और दुनियाजात को बुलाने की इजाज़त दे दी। शहजाद ने अपनी तजवीज़ के मुताबिक बहन को बुलाया और अपने ही कमरे में उसको भी लिटाया। बादशाह चूंकि शहजाद से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए तरह देता रहा कि अपने ओहद के मुताबिक सुबह ही उसको कत्ल करना पड़ेगा। आधी रात गुजरने पर दुनियाजात ने कहा, बहन खुदा जाने सुबह को क्या हो, आप आखिरी कहानी सुना दीजिए, परेशानी में नींद नहीं आती। शहजादी बोली कि शहंशाह इजाजत दे कि मैं कोई किस्सा कहूं। बादशाह भी कहानियों का बहुत शायक था, इजाजत दे दी। शहजाद ने यह कहानी शुरू कर दी। पहले ज़माने में एक नौजवान सौदागर था जो बड़ा दौलतमंद था। एक मरतबा वो किसी काम के लिए सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक सायादार दरख्त देखकर ज़रा सुस्ताने को बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी खाने से फारिग नहीं हुआ था कि हैबतनाक शक्ल का जिन हाथ में तलवार लिए हुए सख्त गुस्सा व गैब की हालत में सख्त गुस्सा और गज़ब की हालत में नमूदार हुआ और कहने लगा, तूने जो खजूर की गुठलियाँ फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे लड़के के लग गई जिससे वो मर गया, अब मैं तुझे इस इंतकाम में कत्ल कर दूंगा। सौदागर बहुत घबराया, जिनसे कहने लगा, आप मुझे एक साल की मोहलत दीजिए,
ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर दूँ और कर्ज खाऊं तो कर्जा अदा कर दूँ। साल गुजरने के बाद फिर इसी जगह हाजिर हो जाऊंगा। फिर आपको इख्तियार है जो शायद फिर आपको इख्तियार है जो चाहे सजा दीजिए। जिन ने ये बात मंजूर कर ली, सौदागर अपने वतन को वापस लौट आया और सब हिसाब बेबाक कर दिया। अभी ये बच्चों को समझाया, आखिर साल पूरा होने पर सबको रोता छोड़कर हस्बे वादा उस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। अभी उसको आए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हिरनी के गले में रस्सी डाले सामने आया और कहा कि मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और इस दहशतनाक जंगल में तन्हा बैठे क्या कर रहे हैं। सौदागर ने अपनी बिपता सुनाई। बूढ़ा कहने लगा, जब तक तुम्हारे मामले का अंजाम ना देख लूं मैं आगे नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर में एक और शख्स दो कुत्तों की जंजीर पकड़े हुए आया और हाल दरियाफ्त करने लगा। जब उसने भी यह सुना तो वो भी ठहर गया। उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को साथ लिए हुए आया और वो भी उन लोगों को देखकर वहीं रुक गया। उन सब लोगों ने भी अच्छी तरह गुफ्तगू भी नहीं की थी कि सामने से गर्दो गुबार बुलंद हुआ और वही गैबतनाक जिन हाथ में तलवार लिए हुए सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आज तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, अब मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। गरीब सौदागर रोने लगा। जिन ने कत्ल का इरादा किया तो हिरनी वाला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिनके सामने दस बस्ता खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ जिनों के बादशाह, मेरी और इस हिरनी की अजीबोगरीब कहानी है, आपको सुना लूं तो क्या इस सौदागर का एक तिहाई गुनाह माफ कर देंगे। जिनने कुछ देर सोचने के बाद मंजूर कर लिया। हिरनी वाले बूढ़े ने अपनी दास्तान इस तरह बयान करनी शुरू की। जिन, हिरनी, कुत्ते और खच्चर की कहानी, यानी किस्सा जिन, हिरनी, कुत्ते और खच्चर का, हिरनी वाला बूढ़ा, इस सिलसिलेवार कहानी है। यह हिस्सा अगली बार सुनाऊंगा।